1857 के विद्रोह का आखिरी तक पढ़ लिए थे, और विद्रोह में हम लोग क्या समझे थे कि 1857 का विद्रोह जो 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी गांव से स्टार्ट हुआ, लेकिन हम लोग देखे कि फाइनली 1859 होते होते हमारे पूरे झारखंड में ये विद्रोह क्या हो गया, समाप्त हो गया, पूरा विद्रोह क्या हो गया, एंड हो गया। और क्या लिखाए थे आखिरी में, ये विद्रोह कहां पे हुआ था, पलामू, पलामू क्षेत्र में, कब हुआ था, 26 सितंबर। हम लोग पढ़े थे कि देवघर में 12 जून हजारीबाग, रामगढ़ 30 जुलाई, रांची में 2 अगस्त, सिंहभूम में 3 सितंबर और पलामू क्षेत्र में 26 सितंबर, जिसके बाद ये विद्रोह समाप्त हो गया। लेकिन हम लोग पूरा विद्रोह में क्या पढ़े कि विद्रोह के दौरान बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों का समर्थन किया, क्या था ना, जैसे विश्वनाथ शाही, महेश नारायण शाही, विश्वनाथ दुबे, ये सब अंग्रेजों को सूचना दिया था, तभी तो पांडे, गणपत राय, ठाकुर, विश्वनाथ सहदेव पकड़ा गया था, सही बोल रहे हैं ना। तो जब ये युद्ध समाप्त हो गया तो जो लोग अंग्रेजों के समर्थक थे, जो लोग अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, उसको अंग्रेजों ने क्या दिया, पुरस्कार दिया, इनाम दिया, ठीक है, याद रहेगा। इसी में देखिए 2-3-4 नाम बहुत फेमस आता है, तो आपको याद रखना होगा, लिखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट करके लिखिए कि 1857 के विद्रोह के दौरान, क्या लिखना है, 1857 के विद्रोह के दौरान, 1857 के किसके दौरान, विद्रोह के दौरान जो राजा जमींदार या सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया, राजा, जमींदार या सैनिकों ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों के द्वारा, सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया, अंग्रेज द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया, अंग्रेज द्वारा उन्हें क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया, अवॉर्डेड, है ना, पुरस्कार दिया गया, पुरस्कृत किया गया मतलब अवॉर्ड दिया गया। अब देखो ये सब अवॉर्ड पाने में आगे कौन रहेगा, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को पकड़ाने वाले कौन थे, विश्वनाथ दुबे, विश्वासघात आदमी था ये, और कौन था, महेश नारायण शाही था ना, पांडे गणपत राय जी को पकड़ाने वाले कौन, शाही, महेश नारायण शाही की, महेश प्रताप शाही। एक नाम और याद रखिएगा जो बहुत चर्चित था, पिठोरिया का जगतपाल सिंह, जिनको हम लोग कहते हैं रहस्यमय भूतिया किला, पिठोरिया में जो जगतपाल सिंह का किला है, कहा जाता है कि हमेशा वहां पे क्या गिरता है, थंडरिंग गिरता है, वज्रपात होता है, जो थंडरिंग होता है ना, हमेशा वहां पे थंडरिंग होता है, वज्रपात होता है। कहा जाता है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने जगतपाल सिंह को क्या दिया था, अभिशाप दिया था। अब लोग नागपुरी में अगर आगे पढ़िएगा तो ये ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का एक पूरा उपन्यास लिखा गया है, जिसमें उस किले का बहुत अच्छा से वर्णन किया है, क्योंकि जगतपाल ने भी किसका साथ दिया था, अंग्रेजों ने, और ठाकुर विश्वनाथ दुबे के साथ विश्वासघात किया था। तो कहां के थे वो, पिठोरिया। तो जो पिठोरिया का किला है उसको लोग भूतिया किला बोलते हैं, कभी नेट में सर्च मारिएगा, यूट्यूब में, खास तौर पे यूट्यूब में तो कोई भी चीज को बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, कभी सर्च मारिएगा पिठोरिया का किला, लिखेगा जादुई किला, रहस्यमय किला, जहां हमेशा क्या गिरता है, थंडरिंग गिरता है।
वहां के लोकल लोग भी कहते हैं कि वहां पे लगातार क्या होता है, थंडरिंग होता है, और उस खानदान के जगतपाल के खानदान के लोग क्या हो गए, सारे के सारे मारे गए। लिख लीजिए जगतपाल सिंह पिठोरिया, जगतपाल सिंह किला तो है इसी के नीचे, मतलब पुरस्कृत क्या क्या लिखे थे ना, तो उसमें कौन कौन लोग थे, तो विश्वनाथ दुबे, महेश नारायण शाही, जगतपाल सिंह, हाँ तीनों का नाम लिखे एक एक करके हम लोग। जगतपाल सिंह ये कहाँ के हैं, पिठोरिया के हैं। पूछ सकता है आपसे ना कि पिठोरिया से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया था, तो उसका नाम क्या था, जगतपाल सिंह। जगतपाल सिंह कहां के हैं, पिठोरिया। और लिखिए जनक सिंह, जनक सिंह शिवचरण राय, कौन सा सिंह, जनक सिंह, और क्या लिखने बोल रहे हैं, शिवचरण राय, शिवचरण राय, याद रहेगा, विश्वनाथ दुबे, महेश नारायण शाही, जगतपाल सिंह, जनक सिंह, शिवचरण राय, ये वे व्यक्ति थे जिन लोगों ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था, और अंग्रेजों ने इन्हें क्या किया था, पुरस्कृत किया था। ओके चलो अब अगला पॉइंट में कुछ और पॉइंट लिखना है, अगला पॉइंट देखे लिखेंगे हम लोग, विश्वनाथ दुबे, विश्वनाथ दुबे, महेश नारायण शाही, जगतपाल सिंह, जनक सिंह, शिवचरण राय, ये सब वो अंग्रेज सॉरी वो भारतीय थे जो किनके ओर से लड़े थे, अंग्रेजों की ओर से लड़े थे। अगला पॉइंट देखे अब लिखेंगे, अच्छा लिख लीजिए जल्दी लिखिए, हो गया आगे बढ़ा जाए। अब अगला पॉइंट देखिए लिखिए कि अंग्रेजों की सहायता हेतु मतलब हेल्प करने के लिए, अंग्रेजों की सहायता हेतु रंका के किशुन दयाल सिंह, रंका अंग्रेजों के सहायता हेतु रंका, रंका क्षेत्र के क्या नाम लिखेंगे, किशुन दयाल सिंह, रंका के क्या नाम लिखना है, किशुन दयाल सिंह, अंग्रेजों के सहायता हेतु रंका के किशुन दयाल सिंह तथा चैनपुर के, रंका के किशुन दयाल सिंह तथा चैनपुर के रघुवर दयाल सिंह को, चैनपुर के क्या नाम लिखना है, रघुवर दयाल सिंह, एकदम इंपॉर्टेंट नाम है याद रखना है, दो नाम, पहला नाम क्या लिखे हम लोग, रंका के, और चैनपुर के रघुवर दयाल सिंह को अंग्रेजों ने, रघुवर दयाल सिंह को अंग्रेजों ने राय बहादुर, अंग्रेजों ने राय बहादुर, क्या लिखना है, राय बहादुर, राय बहादुर, ठीक है, क्या लिखे हम लोग, राय बहादुर, राय बहादुर की उपाधि दी थी, राय बहादुर की उपाधि दी थी, क्या कहे हम लोग, दो जगह के नाम बोले, कहां कहां के, रंका के किशुन दयाल सिंह और चैनपुर के रघुवर दयाल सिंह को कौन सा उपाधि, राय बहादुर का उपाधि दिया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। ओके अगला पॉइंट लिखिएगा, हाँ टाइटल, उपाधि टाइटल, जैसे मुखिया होता है, मुख्यमंत्री होता है आजकल, सरपंच होता है ना, तो चुना जाता है ना, पर किसी को हम लोग सम्मान देते हैं, टाइटल देते हैं, खान बहादुर, राय बहादुर, इस तरह का टाइटल दिया जाता है। आगे बढ़े,
एक पॉइंट नोट कर लीजिए, पेनोटी नोट डालिए, एक पॉइंट लिखिए। देखिए, अंग्रेजी सेना में शामिल भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सेना में शामिल भारतीय सैनिकों को उनकी सेवा हेतु क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भारतीय सैनिक था, अंग्रेज नहीं, भारतीय सैनिक जो किसके सेना में थे, अंग्रेजों के सेना में थे, और अंग्रेजों को ही क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, अंग्रेज की ओर से लड़ रहे थे, उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। क्या दिया गया? ऑर्डर ऑफ मेरिट। क्या दिया गया? ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। याद रहेगा? ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया, ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान दिया गया, टाइटल लिखेंगे हम लोग। क्या लिखे थे लास्ट टाइम, बोले ना, सेवा में उनकी सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऐसा लिखिए। हाँ, सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ मेरिट के सम्मान से, ऑर्डर ऑफ मेरिट के सम्मान से नवाजा गया। मतलब सम्मान किया गया। इसमें कौन कौन था समझा रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग कि वैसे भारतीय सैनिक जो भारतीय हैं लेकिन अंग्रेज के सेना में शामिल होकर अंग्रेज के ओर से युद्ध लड़ रहे थे, ये विद्रोह कैसा था? सिपाही विद्रोह था, सिपाही म्यूटिनी, कि भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन कुछ भारतीय सैनिक ऐसे थे जो भारतीयों के ही खिलाफ लड़ रहे थे, वो किसके पक्ष में थे, अंग्रेजों के पक्ष में थे। अब बात समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे सैनिक जो अंग्रेजों के पक्ष में होकर भारतीय सैनिकों के साथ लड़ रहे थे, अंग्रेजों के पक्ष से होकर लड़ रहे थे, उनको क्या सम्मान दिया? ऑर्डर ऑफ मेरिट। अच्छा, इनमें मेनली सम्मानित किसे किया गया? क्योंकि हमारे झारखंड में जो 1857 का विद्रोह पड़े हम लोग, उसमें सबसे ऐतिहासिक युद्ध कौन सा है? चतरा की लड़ाई, 2 अक्टूबर 1857 को ऐतिहासिक चतरा का युद्ध। तो चतरा के युद्ध में अंग्रेज तो मेजर इंग्लिश थे, और भारत की ओर से क्या क्या नाम बताए थे, नादिर अली, माधव सिंह, जयमंगल पांडे, विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, ये सब लोग थे, लेकिन क्या मेजर इंग्लिश अकेले गोली चला रहे थे? तो कुछ भारतीय भी थे जो अंग्रेज की ओर से क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे, उन लोग को क्या सम्मान मिला? ऑर्डर ऑफ मेरिट। उस व्यक्ति लोग का नाम क्या क्या था? तो एक व्यक्ति था शेख पंच कोड़ी, नाम लिखिए, जिनको ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान मिला, उनमें कौन कौन थे? शेख पंच कोड़ी, हाँ, शेख पंच कोड़ी, हवलदार तारा नायक, शेख पंचकोड़ी, हवलदार आरजू सिंह लिखिए, और अलग एक नाम लिखिए तारा नायक, मतलब दोनों ही हवलदार थे, और क्या लिखना है, तारा नायक, हाँ, आरजू सिंह और तारा नायक, इन लोगों को अंग्रेजों ने कौन सा सम्मान दिया? ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये लोग किस विद्रोह में शामिल हुए थे?
1857 में लड़ा गया चतरा का युद्ध। चतरा के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे थे शेख पंचकोड़ी, हवलदार आरजू सिंह, हवलदार तारा नायक, और इनको कौन सा सम्मान दिया गया? ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मान से इन लोगों को नवाजा गया। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, क्या बोले हम लोग, कि वैसे भारतीय सैनिक जो अंग्रेजी सेना की ओर से लड़ रहे थे उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान से नवाजा गया था। ये सम्मान पाने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? तो शेख पंचकोड़ी, तारा नायक। ठीक है, लिख लिए। चलो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए कि दो अंग्रेज अधिकारी हाँ अगला पॉइंट लिखेंगे, दो अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट डोंट, दो अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट डोंट 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 हाँ इंग्लिश में ऐसे लिख लीजिए, हिंदी में डोंट, लेफ्टिनेंट डोंट, याद करने के लिए आप डी ए यू एन टी लिख सकते हैं, डोंट। एवं दो अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट डोंट एवं सर्जेंट डाइनन, सर्जेंट डाइनन, हाँ डायन नहीं डाइनन है ना, लेफ्टिनेंट डोंट एवं सर्जेंट डाइनन को विक्टोरिया क्रॉस, डाइनन को विक्टोरिया क्रॉस, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। दो व्यक्ति को क्या मिला था? विक्टोरिया क्रॉस। तीन व्यक्ति को क्या मिला? ऑर्डर ऑफ मेरिट। और दो को क्या उपाधि मिला था? राय बहादुर मिला था ना, विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया। अच्छा एक पॉइंट है, और ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को जब सम्मान किया जा रहा था ये जिंदा नहीं थे, ये मारे गए थे। तो आपसे पूछ सकता है कि किस व्यक्ति को मरणोपरांत, पोस्टमॉर्टम बोलते हैं हम लोग, कि मरने के बाद किसको विक्टोरिया क्रॉस मिला था? तो सर्जेंट डायन मिला था दोनों को, फिर मरने के बाद किसको मिला था? सर्जेंट डायन, ब्रैकेट में लीजिए मरणोपरांत। पोस्टमॉर्टमली जब ये डेथ कर गए थे उसके बाद इनको सम्मान मिला था, तो मरणोपरांत भी आप लिख सकते हैं, मरणोपरांत क्या रहेगा? मरणोपरांत किसको मिला था? सर्जेंट डाइनन को, और ऐसे में किसको मिला था? दोनों को, लेफ्टिनेंट डोंट और सर्जेंट डायन। ओके, दोनों को विक्टोरिया क्रॉस मिला था, लेकिन जब अवार्ड मिल रहा था तो सर्जेंट डायन क्या हो गए थे? मृत्यु हो गई थी, वो मर चुके थे। तो एग्जाम में सवाल पूछेगा मरणोपरांत किसको मिला था और विक्टोरिया क्रॉस किनको किनको मिला था? डोंट और डाइनन दोनों, डोंट और डाइनन दोनों। क्या क्या पढ़े हम लोग, जल्दी से रिपीट करते हैं हम लोग। अच्छा जल्दी लिखिए खाली उसी को मिला था, डाइनन को। बोर्ड में देखो किसको गोल किए हैं, बस अब मरने वाला उसका भूत लेने आया था, तो भाई पद्मश्री या कुछ अवार्ड मिलता है, परिवार के लोग आते हैं ना, तो फिर ऐसे नहीं बोलना सर मर गया तो कैसे लेगा। देखो उधर आत्मा ही लेने आ गया था, है ना, हो गया। तो हम लोग कौन कौन सा सम्मान पढ़े, सबसे पहले देखे विक्टोरिया क्रॉस। अच्छा पहले कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से
क्या बात की हम लोग, रंका के किशुन दयाल सिंह और चैनपुर के दोनों को क्या मिला, राय बहादुर को उपाधि मिला। ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको मिला, शेख पंचकोड़ी, हवलदार आरजू सिंह, तारा नायक या नायक तारा सिंह भी आ सकता है, ठीक है, इनको क्या मिला, ऑर्डर ऑफ मेरिट। किस युद्ध में शामिल थे, चतरा के युद्ध में। अगला, लेफ्टिनेंट डॉन्ट और सर्जन डायनन को क्या मिला, मरणोपरांत किसको मिला था, सर्जेंट डायनन को। चलो, तो 1857 के विद्रोह का हम लोग लगभग चीज जान लिए हैं। अच्छा, किसने कहा था ये भारत का प्रथम जनक्रांति है, सही है, बोलो नाम बोलो, कार्ल मार्क्स बताए थे ना, और मुठभेड़ है कौन बोला था, मूले, एसो मूले। चलो, और 1857 के नाम से किताब किसने लिखा था, सबसे पहला क्लास में लिखाए हैं, पेज पलट के देखिए, पेज पलट के देखो, जल्दी से पढ़ के आना है, इसे भूल के नहीं आना है, केवल 1857 को किसने किताब लिखा था, आरसी बस कहां पे आया था, वो तो सिंहभूम वाले क्षेत्र में आया था, विद्रोह का दमन करने आया था ना, अर्जुन सिंह को सरेंडर करने बोला था आरसी वर्ष, तो मिला नहीं देना है, सबको अलग अलग हार्ड डिस्क में सेव करके रखना है, एक साथ मर्ज नहीं कर देना है ना, तो फिर वो हो जाएगा, रिमिक्स वाला गाना हो जाएगा, रिमिक्स गाना सुनते होंगे ना आप लोग, आधा ये वाला गाना बजा फिर कोई और बज गया, तो यहाँ पे रिमिक्स नहीं करना है, यहाँ पे अलग अलग रखना है। ओके, चलो, भारत का प्रथम जनक्रांति, सॉरी ये एक्चुअली कार्ल मार्क्स ने, हम उल्टा बोल रहे हैं, रुक जाइए, 1857 के विद्रोह को नहीं, संथाल विद्रोह को बोला था, कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को संथाल विद्रोह को भारत का पहला जनक्रांति बोला था। इसके बारे में किसने लिखा था, बताए थे हम कि नाखून से लिखा गया था, किसने लिखा था, विनायक दामोदर सावरकर, है ना। सारा चीज आपको याद रखना है कि किस तरह से पूरा रिवॉल्ट चला था, कैसे अलग अलग स्टेप में चला। एक्चुअली इसको ठीक कर लीजिएगा, संथाल विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, भारत का पहला जनक्रांति। लेकिन ऐसे में भारत का पहला जनक्रांति किसको कहा जाता है, 1857 के विद्रोह को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने कहा था संथाल विद्रोह को, पर आपको पूछेगा कि भारत का पहला जनक्रांति कौन था, ये केवल एक सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि सारे लोगों ने भी क्या किया था, इनमें पार्टिसिपेट किया था, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, अभिनव भारत। चलो, अब एक आंदोलन याद रखना, इसके बाद एक छोटा सा आंदोलन याद रखना, इसका नाम है वहाबी आंदोलन। कौन सा आंदोलन, बहुत छोटा सा है, क्योंकि ये 1820 के आसपास हुआ था, 1820 के आसपास एक आंदोलन चला था, ये खास तौर पे मुस्लिम सुधारक आंदोलन था, इस्लाम धर्म में जो रीति रिवाज थे उनमें सुधार करने के लिए एक आंदोलन चला था, किस नाम से, वहाबी आंदोलन। लाइए हेडिंग, वहाबी आंदोलन। कौन सा आंदोलन, वहाबी आंदोलन, हाँ वहाबी, वहाबी आंदोलन को लिख रहे हैं हम, वहाबी आंदोलन। कब हुआ था वहाबी आंदोलन, तो 1820 के आसपास। एक व्यक्ति के नाम से इंस्पायर्ड था, जिसे खलीफा कहलाता था ना पहले, आप लोग हिस्ट्री में पढ़िएगा, इस्लाम समुदाय का जब आगे बढ़ा, पैगंबर आगे बढ़ा, तो क्या कहलाया, खलीफा। तो कुछ वैसे इसके नाम से प्रभावित था, क्या नाम से, वहाबी आंदोलन। पहला पॉइंट लिखो कि वहाबी आंदोलन को सल्फी आंदोलन, वहाबी आंदोलन को सल्फी आंदोलन भी कहा जाता है।
हाँ सल्फी आंदोलन भी कहा जाता है। सल्फी आंदोलन ये कैसा आंदोलन था? तो इस्लाम धर्म सुधार आंदोलन, इस्लाम धर्म सुधार आंदोलन। आगे से आप लोग पढ़िएगा सूफी मूवमेंट, धर्म सुधार आंदोलन। सर ताना भगत ने अपना चलाया ना, उरांव समुदाय में जो भी कुरुतियां उसको ठीक करने के लिए। बिरसा मुंडा ने मुंडा समुदाय के लिए चलाया। लाल बाबा सफा होड़ किसके लिए चलाया था? अलग अलग समुदाय के लिए चलाया। ठीक वैसे ही इस्लाम धर्म सुधार आंदोलन का नाम क्या था? वहाबी आंदोलन, या फिर किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग? सलफी आंदोलन। देखिए इस आंदोलन का नेतृत्व करता क्या बताएं फिर से? वहाबी आंदोलन को सलफी आंदोलन भी कहा जाता है। वहाबी आंदोलन को सलफी आंदोलन भी कहा जाता है। लिखिए इस आंदोलन का नेतृत्व करता मतलब जनक, इस आंदोलन का नेतृत्व कहता इमाम मोहम्मद बिन नम्मा नाम है, इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल बहाब, इमाम मोहम्मद, इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। क्या नाम है? इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। इस आंदोलन को जनक किसको दिया जाता है? इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को दिया जाता है। ये हम लोग भारत में स्टार्ट नहीं हुआ था, सऊदी अरब वाला पूरा क्षेत्र है ना, सऊदी अरब ईरान इराक उस पूरे एरिया में स्टार्ट हुआ। पर जब धर्म सुधार आंदोलन चलता है तो हर जगह चलता है। अब अयोध्या में राम मंदिर बना तो दिल्ली में भी फेस्टिवल मनाया गया, जम्मू कश्मीर में भी मनाया गया, केरला में भी मनाया गया, झारखंड में भी मनाया गया। ठीक वैसे ही जब इस्लाम धर्म सुधार आंदोलन सऊदी अरब ईरान इराक में शुरू हुआ तो उसका प्रभाव कहां गिरेगा? भारत में भी गिरेगा। तो भारत में इस आंदोलन को करने का श्रेय किसे जाता है यह भी जानना होगा। तो लिखिए कि भारत में इस आंदोलन का श्रेय, भारत में इस आंदोलन का श्रेय राय बरेली के, भारत में इस आंदोलन का श्रेय राय बरेली के सैयद अहमद को जाता है। रायबरेली के सैयद अहमद को दिया जाता है। क्या कह रहे हैं हम कि वहाबी आंदोलन और कहा जाए पूरे दुनिया में कौन लेके आया पहली बार? तो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। पर भारत में इस आंदोलन को किसने चलाया? सैयद अहमद। सैयद अहमद कहां के थे? रायबरेली के थे। कब हुआ था यह आंदोलन? इसी आंदोलन का दूसरा नाम सलफी आंदोलन। एक्चुअली ये वाला कंटेंट आपको जीएस में पढ़ना है, हिस्ट्री में पढ़िएगा। अब हम लोग झारखंड में आते हैं कि झारखंड में इस आंदोलन कैसे चला, झारखंड में कहां कहां चला था। तो लिखिए कि झारखंड में इसी में अगला पॉइंट देके लिखो कि झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार, झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार कहां कह रहे हैं हम लोग? झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार। लिखिए शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। किसको दिया गया था? शाह मोहम्मद हुसैन। शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। तो तीन नाम बताएं। बोलेगा कि ऐसे पूरे भारत सॉरी वर्ल्ड में पहली बार किसने स्टार्ट किया? इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। भारत में किसने स्टार्ट किया?
झारखंड में किसने स्टार्ट किया? शाह मोहम्मद हुसैन ने स्टार्ट किया। तो झारखंड में वहाबी आंदोलन को प्रचार प्रसार करने का जिम्मा किसको दिया गया था? लिखिए अगला पॉइंट, देखिए लिखिए कि झारखंड में वहाबी आंदोलन के समय राजमहल क्षेत्र में, झारखंड में वहाबी आंदोलन के समय राजमहल क्षेत्र में, झारखंड में वहाबी आंदोलन के समय राजमहल क्षेत्र में कई सारे कार्यालय खोले गए, मतलब शाखाएं खोली गई। किस क्षेत्र में? राजमहल क्षेत्र में कई सारे कार्यालय यानी शाखाएं, मतलब वहाबी आंदोलन को प्रचार प्रसार करने के लिए ऑफिस खोलना पड़ेगा ना। जैसे बीजेपी का ऑफिस यहाँ पर रांची में दिखता होगा, हर किसी का अपना अपना ऑफिस है कि नहीं? ऐसा थोड़े, अगर ऑफिस नहीं रहेगा तो मोदी जी आएंगे क्या? बीजेपी का कोई नेता आएगा तो उनको कहां से लोग मिलेंगे, समर्थक कहां से मिलेंगे? तो अलग अलग जगह क्या चाहिए? अपना ऑफिस चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि वहाबी आंदोलन के समय झारखंड के राजमहल में क्या खोला गया था? कार्यालय खोला गया था। इसका मतलब ये जो वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार ज्यादा किस क्षेत्र में हुआ होगा? राजमहल क्षेत्र में। किस क्षेत्र में हुआ होगा? राजमहल क्षेत्र में। तो लिखेंगे कि झारखंड में, अगला पॉइंट देखकर, झारखंड में राजमहल क्षेत्र, झारखंड में राजमहल क्षेत्र में वहाबी विचारधारा झारखंड में राजमहल क्षेत्र में वहाबी विचारधारा का प्रचार प्रसार, वहाबी विचारधारा का प्रचार प्रसार राजमहल बोल रहे हैं मतलब संथाल प्रगना भी हो गया, एक ही बात है ना। इब्राहिम मंडल एवं अमरुद्दीन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? इब्राहिम मंडल और अमरुद्दीन के द्वारा किया गया था। पूछेगा कि संथाल परगना क्षेत्र में इस वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? इब्राहिम मंडल और अमरुद्दीन ने किया था, अमरुद्दीन के द्वारा किया गया था। एक आखिरी पॉइंट लिखिए कि हजारीबाग के भीर उस्मान लिख दे रहे हैं, रुको, भीर उस्मान। हजारीबाग के क्या नाम लिखेंगे? भीर उस्मान सैयद अहमद से मिलने रायबरेली गए थे। क्या रहेगा? फिर उस्मान सैयद अहमद से मिलने कहां गए थे? रायबरेली गए थे। अगला पॉइंट लिखिए कि इस आंदोलन के दौरान इब्राहिम मंडल मतलब कौन? जो संथाल परगना में क्या कर रहे थे? प्रचार प्रसार कर रहे थे। इब्राहिम मंडल को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आजीवन कारावास मतलब जेल में रखेगा इसको,
आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन सा सजा दिया गया था? आजीवन कारावास का सजा दिया गया था। इंडिया कंपनी ने आजीवन कारावास की सजा दी थी। क्या सजा दिया था? आजीवन कारावास, मतलब इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया जब तक वो मर ना जाए। आजीवन कारावास, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट। आजीवन कहां रखेगा आपको? जेल में रखा जाएगा। जैसे आप लोग तोता लोग को रखते हैं, जो लोग घर में तोता रखता है उसको आजीवन कारावास सजा नहीं देता है, उसको वो अंदर डालकर रख दिया है ना, पिंजरे में डालकर। खैर, तो ये कौन सा आंदोलन था? वहाबी आंदोलन। क्लियर है? अब देखो, 1857 के विद्रोह के बाद हमारे झारखंड में बहुत सारा विद्रोह हुआ था जो कि हम लोग पढ़ लिए हैं। कौन सा विद्रोह हुआ था? बिरसा मुंडा का आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, संथाल हुल, अलग अलग विद्रोह हुआ, चेरो विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, सब चल रहा था, ढाल विद्रोह, पूरा का पूरा विद्रोही चला है ना। और कौन सा विद्रोह? तिलका आंदोलन, सपाहोड़ आंदोलन, अब खिरवार आंदोलन, और सर भूमिज आंदोलन, पहाड़िया आंदोलन। अब इतना सारा विद्रोह चला है ना, इतना सारा क्या चला है? विद्रोह चला है। रोक दो।